वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब का भी बयान सुन रहा था माशाल्लाह। वो फरमा रहे थे कि एक लखनऊ का उर्दू स्पीकिंग बंदा पाकिस्तान में आया तो उसने देखा केले बिक रहे थे। उसने खालिसतन उर्दू बोलकर बोला कि तुम्हारे यहाँ केले जो है अददन बिकते हैं या वजनन। तो उसको वो भुखला उठा, उसको समझ तो ना आई। उसने कहा भाई लेने हैं तो ले, वरना हमारे केले धन धन बिकते हैं, धन धन बिकते हैं, धन धन बिकते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। माशाल्लाह स्टेज पर मज़ा भी फरमाते हैं, लघवियात नहीं है क्योंकि लघवियात मना है। तो मज़ा फरमाना ये जो है पैगंबर से भी साबित है। आका करीम अलैहिस्सलाम से एक बुढ़िया औरत ने खातून में पूछा या रसूलुल्लाह फिदा काबी व उम्मी, क्या मैं भी जन्नत में जाऊंगी? कहा कि तू नहीं जाएगी। दिल टूटा, फिर आंसू बहने लगे तो मायूस होकर जाने लगी। तो हमारे शफीक मुशफिक पैगंबर पैगंबर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, माँ ज़रा रुक जाओ, मेरे दरबार से रोता हुआ कहीं नहीं जाता, रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है, हमारा ये सेवा नहीं, इसी को रुलाना। मेरा मकसद ये था कि तू नहीं जाएगी, मतलब तू जवान होकर उठाई जाएगी, जन्नत में होगी। मेरा मकसद ये था कि ये तेरा जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। तो इससे मुराद लिया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने मज़ा फरमाया, फिर उसके चेहरे पर मुस्कराहट आई, हंसने लगी। तो ये तो पैगंबर से साबित है। उलमाए कराम को लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं अजल कहेंगे जो हलाल हो कि जी ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकद्दस पामाल करते हैं, अब अजल कहीं के आलम दीन हैं, पढ़ा है सारी ज़िंदगी और पढ़ा रहे हैं, उनको भी अपनी कब्र का पता है, आखरत का पता है, फ़िक्र है, हमसे ज़्यादा तकवे वाले लोग हैं। अल्लाह पाक हमारे उलमाए कराम को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इनका साया हम पर कायम कायम रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।